सबसे पहले बात दिल्ली के हौस काजी इलाके की करेंगे, जहां पर अमन चैन अब बरकरार हो गया है। रविवार की रात यहां पर पार्किंग के झगड़े के बाद हिंसा भड़की, जिसमें सियासतदानों ने खूब ईंधन डाला, लेकिन अब वहां हालात काबू में हैं, बाजार खुल गए हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। देखिए वहां के हालात पर हमारी ताजा ग्राउंड रिपोर्ट। सुबह से शुरुआत किए हैं हम लोग पूजा के लिए। आज आरती हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आरती होगी हमारे मंदिर में। हौज काजी इलाके के इस दुर्गा मंदिर में फिर से भक्तों का तांता है, आरती हो रही है, मां दुर्गा के जयकारे लग रहे हैं। दो दिन बाद इस मंदिर में हो रही चहल पहल से ये साफ है कि इस इलाके में अमन की वापसी हो चुकी है। ये वही मंदिर है जहां शरारती ताकतों ने मूर्तियां तोड़कर मजहबी एकता तोड़ने की कोशिश की थी। आज ये तीन दिन वो पूजा नहीं हुई थी, इतवार की वही कांड हुआ था, उसके बाद फिर आज ही सुबह से शुरुआत किए हैं हम लोग पूजा के लिए। तो इसमें शुरुआत किस तरह से आज की? अब ऐसा है ना, देखो जो मूर्तियां खंडित हो गई हैं उनकी तो हम प्राण प्रतिष्ठा करवा करके ही दोबारा से हम स्थापना करवा करके ही पूजा करेंगे। दो दिन बाद हौज काजी इलाके के बाजार भी खुल चुके हैं। सालों से साथ साथ रहते आए यहाँ के लोगों को अब समझ में आ गया कि पार्किंग के झगड़े को मजहबी रंग देने वाले तत्व कौन थे। इस वक्त हम दुर्गा मंदिर में मौजूद है दिल्ली के हौस काजी में, जहाँ पर सुबह के वक्त आरती का दौर शुरू हो गया है। आप देखिए पंडित जी यहाँ पर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और जो आरती है वो शुरू हो गई है। पिछले काफी दिनों से जो भक्तजन है वो इंतजार कर रहे थे इस आरती का, लेकिन अब जो है आरती शुरू हो गई है। पुरानी दिल्ली के इस इलाके में दो दिनों के दौरान जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला है। दो शख्स के बीच पार्किंग को लेकर तनातनी हुई और जिसने बाद में हिंसक झड़प का रूप ले लिया था। उसी रात थोड़ी देर बाद ही एक अफवाह के बाद कुछ दंगाइयों ने इसी बीच 100 साल पुराने दुर्गा मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर में तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया में जब घटना की तस्वीरें वायरल हुई तो दिल्ली पुलिस और अमन कमेटी के लोग हरकत में आए। पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर बात कराई और आपसी बातचीत ने नफरत की दीवार को धराशायी कर दिया। सब अमन चाहते हैं और इससे पहले हमने बैनर भी निकाले थे और ले गए कि सबके भाई हम जो है अमन चाहते हैं और उसमें अमन का पैगाम है हमारा। इलाके में अभी भी पुलिस बल की मौजूदगी है ताकि शरारती तत्वों को माहौल बिगाड़ने से रोका जा सके। हौज काजी में जो कुछ भी हुआ उससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, तो ये भी साबित हुआ कि सियासत करने वाले यहाँ भी नहीं चूके। दाद देनी पड़ेगी यहाँ के लोगों की, जो एक दूसरे के साथ बैठे और साथ मिलकर माहौल को और बिगड़ने से बचा लिया। हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। इस वक्त किस तरह के हालात है वहां पर ये भी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं दिल्ली के हौस काजी में मौजूद हूँ। दरअसल जिस तरह से यहाँ पर विवाद हुआ था, अब विवाद थम गया है और यहाँ जिंदगी पटरी पर लौट आई है। लोगों ने अपने काम जो है वो उनके सफर कर रहे थे, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर माहौल अलग है। यहाँ पर अब सब्जी मंडी जो लगती थी, फल फ्रूट की यहाँ पर मार्केट है, वो यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। काफी दिक्कत हो रही थी पिछले काफी दिनों, दो दिन से दिक्कत हो रही थी यहाँ पे बैठने, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, सही है। पिछले दो दिनों में तो दिक्कत थी, लेकिन अब चूंकि पुलिस कर्मियों ने कल यहाँ पर अमन कमेटी की मीटिंग भी हुई थी और यहाँ पर लोगों ने अब जो है अपनी मार्केट खोल ली। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। अब दुकानें आपकी दो दिन बाद खुली है? हाँ जी। दो दिन बाद जो है लोगों ने अपने काम धंधे एक तरह से कहा जाए मार्केट है। आइए भैया, अब तो राहत है घेर, बाकी से पहले बहुत दिक्कत थी, बाकी अब ऐसी कोई बात नहीं है। काम धंधा तो आप अब काम धंधा आज से चालू करा है, अब देखो शाम तक क्या रिपोर्ट रहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट जो है लगती है यहाँ पर फल और फ्रूट की, यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानदार जो है अपना उन्होंने यहाँ पर लगा दिया अपना सामान और यहाँ पर ये कहा जाता है कि बिक्री हो रही है और एक तरह से कहा जाए कि माहौल अब यहाँ पर नॉर्मल है, जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट आई है। कैमरा मैन धर्मेंद्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।